नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने जुड़वा मकान का प्लान भेजा है और पूछा है कि इसका वास्तु कैसा है। वो बनाने जा रहे होंगे, दो भाई हैं तो ये प्लान है। उन्होंने इसका वाला प्लान भी दिया था, 3D प्लान भी भेजा था। ये इसका 3D प्लान है, ये भी था इसमें तो, और ये उसका डिटेल प्लान है। तो ये दक्षिण मुखी है प्रॉपर्टी, प्लाट है ये दक्षिण, ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम। इन्होंने बीच में 200 में इसको बांटा है इस तरीके से, जो पार्टीशन वाल है। ये मिरर इमेज है, इधर किचन है तो इधर किचन है, इधर पूजा तो इधर पूजा है, इधर बेडरूम इधर बेडरूम, इधर सीढ़ी तो इधर सीढ़ी, मिरर इमेज। दोस्तों मिरर इमेज वाले मकान कभी अच्छे नहीं होते हैं। जुड़वा मकान बनाते वक्त ध्यान रखिए, लोग नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, जो ये तरीका है लोग 99% लोग यही करते हैं, ये गलत है। बताऊंगा किस तरीके से गलत है। एक, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक के लिए अच्छी और कुछ चीज़ें दूसरे के लिए अच्छी नहीं है। इसमें जब भी आपको ऐसा मकान बनाना हो, जुड़वा मकान बनाना हो, तो होना क्या चाहिए, एक पोर्शन तय कर लिया, इसको वास्तु से बनाया, वैसा का वैसा उठा कर यहाँ रख दिया। यदि यहाँ एंट्री है तो इसकी एंट्री यहाँ रहेगी, इसका किचन यहाँ है तो इसका किचन यहाँ रहेगा, नहीं जैसा है वैसा वैसा, अरे उठा के रख दिया ऐसा। मिरर इमेज नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये एंट्री ठीक है, क्योंकि ये अग्नि कोण की होगी इस घर की, दक्षिण अग्नि की, पर ये दक्षिण निरुत की होगी, एंट्री गलत हो गई साथ इस घर की। तो अभी आदमी यूँ ही देखा जाए, इस घर की महिलाएं परेशान दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, ठीक। ये बेडरूम चलेगा, ये बेडरूम चलेगा, तो आप अग्नि में बेडरूम बना सकते हो, ये बना सकते हो, इसके कारण ये गलत हो गया। अच्छा होता कि ये भी यहीं रखते और ये बेडरूम यहाँ बन जाता तो स्थिति ठीक हो जाती, यहीं पर इनकी शुरुआत ही गलत हो गई, ठीक। फिर इन्होंने यहाँ इसका दरवाज़ा दिया तो इन्होंने यहाँ ये भी नृत्य का दरवाज़ा दे दिया यहाँ पर भी, तो भी गलत। मास्टर बेडरूम, ये दरवाज़ा सही है, मास्टर बेडरूम चल सकता है या बना सकते हैं, ठीक। सीढ़ी यहाँ पर है तो ये सीढ़ी तो होगी अग्नि कोण की, ये सीढ़ी ठीक है, ये होगी सीढ़ी नृत्य कोण की, ये गलत है। ये पूजा रूम पश्चिम का है और किचन पश्चिम में है, अब ये पूजा रूम ईस्ट में है, मतलब पूर्व में है और ये पूर्व में है। अब देखिए पूर्व में पूजा रूम तो अच्छा होता है, पर जहाँ पश्चिम में पूजा रूम होगा तो उस घर का आदमी धर्म की बातें तो बहुत करेगा पर धर्म की अवमानना करता है, उसे गेस्ट अबल होती है, लालची भी होता है, उसका स्वभाव में लालच आता है। यदि लालची नहीं भी होगा, जब यहाँ आके रहने लगा धीरे उसमें लालच आ जाएगा, और यहाँ पूजा रूम है पूर्व में तो ये आदमी सात्विक होगा, धार्मिक विचारों का होगा, और यहाँ आके दोनों भाइयों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा सोच में रहते रहते। पश्चिम में किचन है तो अच्छी बात है, घर में खाना खूब होगा, घर में सब महिला आपस में तालमेल रहेगा, खाना बचेगा, बचा हुआ खाना बांटना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, इसे प्रभु कृपा समझे या बर्बादी समझे। पर यहाँ पूर्व में किचन आ गया तो घर की महिलाएं सब कुछ होते हुए नाखुश रहेंगी, उसे यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, उदासी रहेगी, तो ये गलत है, ये मिरर इमेज का प्रभाव होता है, ठीक। अब आप आ गए, इसका दरवाज़ा यहाँ दिया तो ये हो गया नृत्य कोण का दरवाज़ा और ये हो जाएगा अग्नि कोण का दरवाज़ा, दोनों दरवाजे गलत हैं। एक्चुअली ये दरवाज़ा यहाँ आ जाना चाहिए, दरवाज़ा यहाँ आ जाना चाहिए, पहली बात तो बनी गलत रहा है पूरा। मैं अब इस रूम की से बात कर रहा हूँ, तो ये इनके बेडरूम है तो ये दरवाज़ा ठीक है दक्षिण अग्नि का, ये नृत्य का हो गया, ये भी दरवाजे गलत हो गए। अब इनने एक बात और बोली है कि जी हमारा यहाँ वाटर टैंक बना रहे हैं, इसके साथ सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, ये उत्तर दिशा है, और यहाँ वायव्य कोण में लेटरिन बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं। सेम वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक और लेटरिन टॉयलेट। नॉर्मली लोग टॉयलेट बनाते वक्त और सॉरी टैंक बनाते हो ओपन रखते हैं, जैसे लग रहा है ये ओपन एरिया है, इनने यहाँ टैंक बनाया, इनने अलग से टॉयलेट बनाया। अब इस टॉयलेट के बनने के कारण यहाँ भी यही और ये स्थिति है, इनका वायव्य कोण बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट कट गया, नॉर्थ ईस्ट कट गया, इसका भी सही हुआ जब महत्वपूर्ण वास्तु दोष आ गया। एंड नॉर्थ ईस्ट का कटना और वायव्य का बढ़ना बदनामी लाने वाला, शत्रुता लाने वाला, परेशानी वाला, बच्चों की तरक्की में बाधा वाला, अब वो स्थिति बन गई। ये सेप्टिक टैंक सही जगह है, वाटर टैंक सही जगह है, पैसे की आवक बनी रहेगी इनके यहाँ, कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स हो सकता है, जॉब में हो, सैलरी चल रही है तो पैसे की आवक तो चल रही है, और जॉब में नहीं बिजनेस में, तो बिजनेस अच्छी जगह होंगे वहाँ से पैसा आता रहेगा,
तो पैसे क्या वक्त रहेगी, और सेप्टिक टैंक मध्य में आ रहा है, यदि मध्य में पानी का टैंक है तो उत्तर दिशा में और यहाँ पर है, तो इनका सोसाइटी में मान सम्मान नाम भी होगा, वो अपनी जगह है, पर जीवन की समस्याएं जो यहाँ बताई वो सब रहेंगी। और ये जो है उन सब में फिर सबसे बड़ा दोष कि इनका वायव्य कौन बढ़ रहा है और ये वाला कौन, और ये यहाँ भी ओपन एरिया रखा है इन्होंने, ये वायव्य कौन से बाहर निकल रहा है यहाँ पर, तो ये जो है ये स्थिति अच्छी नहीं है। वायव्य कौन का ये इस तरीके से, ये कई बार संतान के लिए अच्छा नहीं होता, बस तय कहूँगा मैं, खास करके कन्या संतान के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिनका प्लान है वो भी, उनको एक वीडियो भेजेंगे, उनको लिंक का बोलेंगे कि आप देखिए, लिंक भेजेंगे उनको सॉरी, और वो इसको देखते हुए प्लानिंग चेंज करें और कोशिश करें कि वास्तुनुकूल बनाते हो, एक जैसा बनाए वैसा वैसा यहाँ बना दें, ताकि दोनों भाई सुखी रह सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।